हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेनमवर्स का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बचे हुए वेनम्स और कैप्टन अमेरिका आखिर पॉइजन के साथ मर्ज कैसे होता है, और कितने हीरोज बचे हैं वेनम्स के साथ और कितने ही मर्ज हो चुके हैं पॉइजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पॉइजन स्पाइडरमैन और वेनम की फाइट देख रहे थे, जहाँ पर स्पाइडरमैन कहता है, मैं बेट लगा कर कह सकता हूँ कि ये पुराने दिनों की तरह है एडी, स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम, लेकिन सिर्फ ये गुड ओल्ड डेज की तरह ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं बेहतर है। मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं अब उससे बेहतर हूँ, अब उससे भी बेहतर। और तब वो एडी पर अटैक करते हुए एडी को एक तरफ करता है, और वहाँ पर खुद को संभालते हुए एडी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा कर मुझे हरा पाओगे? और तभी वो दो पॉइजन्स को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है, तो तुम्हें अपने छोटे दोस्तों का बैकअप चाहिए, क्या तुम मुझसे अकेले लड़ने में घबरा रहे हो? और वो कूदता है स्पाइडरमैन की तरफ, लेकिन स्पाइडरमैन उसे एक हाथ में पकड़ कर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना पाओगे? तुम अपने बेस्ट दिनों में स्पाइडरमैन को नहीं हरा पाए और ना ही तुम उसे बीट कर पाए, और अब तो मैं उससे भी कहीं ज्यादा हूँ, मैं वेनम से कहीं बढ़कर हूँ। और इतना कहकर वो उसे रोड में धसा कर पंच पर पंच मारने लगता है, और वो आगे कहता है, तो एडी अब तुम्हारा क्या कहना है, वो टफ गाय वाली बात कहाँ पर गई? तो तुम अपना सीना चीर कर मुझे अपनी ब्रेवरी नहीं दिखाओगे? और वेनम अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके पॉइजन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन कहता है, शायद तुम्हारे टेंटेकल्स इससे पहले वर्क कर पाए, लेकिन अब मेरी स्किन पहले से कई ज्यादा थिक हो चुकी है। स्पाइडरमैन हमेशा से ही तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन उसके पास उतने गट्स नहीं थे, लेकिन फाइनली उसे वो चांस मिल गया, और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। और वो वेनम को पीछे से पकड़कर हवा में उठाते हुए कहता है कि हंग्री कौन है, और तभी दोनों पॉइजन्स उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर उस पर अटैक करने के लिए उसके दोस्त यानी कि स्पिनर हेड वेनम पूल और ओल्ड मैन वेनम आ जाते हैं, जहां पर उसे देखते हुए पॉइजन कहता है, तो अब किसे जरूरत पड़ी अपने दोस्तों की एडी, हाँ बताओ मुझे? और वहां पर वो कहता है, तो तुम में से एक एक करके आएंगे या फिर एक साथ सभी आएंगे, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज ना कल तुम सभी मरोगे। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को, जिसे पॉइजन ने पकड़ रखा था, लेकिन कैप्टन अमेरिका भले ही वेनम हो, लेकिन फिर भी वो एक सोल्जर था, और वो हार मानने से तो रहा, इसलिए वो खुद से कहता है, उठो सोल्जर, उठो, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, तुमने कितने ही लोगों को हौसला देकर फिर से खड़ा किया है, तो तुम खुद क्यों नहीं? और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बेहद ही खतरनाक तकलीफ से गुजरता है। तब एक आवाज आती है जो कहती है, उठने की कोशिश मत करो स्टीव, क्योंकि तुम जानते हो सोनिक इमिटर्स, वो तुम्हारी कमजोरी में से एक है और तुम उसे छुपा नहीं सकते। तभी वो आगे देखता है कि वहाँ पर शेरॉन थी, और वो कहता है, तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया और तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो? इस पर वो कहती है, कोई बात नहीं स्टीव, मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह नहीं देख सकती, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। जिस पर वो कहता है, शेरॉन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम खुद को मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दो। तब उसकी तरफ बढ़ते हुए वो उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसा रही थी और कह रही थी, अपना एटीट्यूड दिखाना बंद करो सोल्जर, तुम्हें पता है कि तुमने कई बार मेरी जान बचाई है, और मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तो मैं भी तुम्हारी जान बचाऊंगी और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर रहूंगी। और वो आगे बढ़कर उसे किस करने वाली थी, तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉइजन से बाकी बचे वेनम और उसके साथ ही लड़ रहे थे, यहाँ पर वो उनसे कहता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम मुझसे जीत नहीं सकते और तुम सारे वेनम्स को ट्रेड अप होने की जरूरत है। इस पर डेडपूल जोक मारते हुए उसे कहता है, तुम लड़ना बंद कर दो, मैं शूट करना बंद कर दूंगा, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि ये सच नहीं है, और वैसे भी मैं अपने बुलेट्स के लिए सिर्फ एक हैप्पी होम ढूंढ रहा हूँ। और तभी पॉइजन लोगन पर अटैक करते हुए कहता है, बात करते रहो जबकि मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। तभी वो स्पिनर को पकड़ते हुए उसकी तरफ देखता है, जिस पर वो कहती है, तो आगे बढ़ो टाइगर, मार दो मुझे। इस पर वो जान लेता है कि वो एमजे है, लेकिन तभी वहां पर वेनम उसे टकराते हुए कहता है, स्पाइडरमैन छोटी मछलियों के साथ खेलना बंद करो, यहाँ पर शार्क इस पानी में अभी भी मौजूद है। और तभी ओल्ड मैन लोगन भी उस पर वार करने लगता है, लेकिन पॉइजन वहां से भागते हुए कहता है, तुम वेनम ब्यूटीफुल हो और ये होस्ट तुम डिजर्व नहीं करते, तुम में से कोई भी वर्दी नहीं है, तुम में से कोई भी परफेक्ट होस्ट नहीं है, लेकिन मैं अब परफेक्ट होस्ट बन चुका हूँ, सबसे स्ट्रांग बन चुका हूँ। उस पर एमजे अटैक करते हुए कहती है कि तुम मेरे स्पाइडरमैन नहीं हो सकते, भले ही तुम मुझे याद हो, लेकिन फिर भी सॉरी टाइगर,
तुम मेरे स्पाइडरमैन नहीं हो, और एमजे उसे पकड़ लेती है। जहाँ पर पॉइजन उससे कहता है, हाउ स्वीट, तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अपने वर्ल्ड फेमस एक्टिंग के जरिए मुझे उलझा पाओगी और अपना बेस्ट प्ले एक्ट कर पाओगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और वहाँ से उन पर हमला करते हुए वो वहाँ से भाग रहा था, और वो कहता है, एडी इस बार तो तुम बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे। यहाँ पर उसके जाने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका उस पॉइजन को किस करने ही वाला था कि तभी वो अपने होश में आ जाता है। यहाँ पर वो उसे कह रही थी, सिर्फ एक किस और हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे, लेकिन कैप्टन कहता है, नहीं तुम शरण नहीं हो सकती, तुम झूठ हो, तुम एक ट्रिक हो। जिस पर पॉइजन कहता है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है स्टीव, मैं इसे आसान तरीके से करना चाहती थी, लेकिन लगता है कि तुम इससे खुश नहीं हो, मैं इसे बिना डर के करना चाहती थी, जितना पॉसिबल हो सके उतना। इस पर वो अपना वेनम सिम्बियोट पहनते हुए कहता है, तो तुम अब अपना बदतर करके दिखाओ। और यहाँ पर पॉइजन उसे कंज्यूम करके कैप को मार देती है और उसे एक पॉइजन कैप बना देती है। यहाँ पर वेनम के साथ उसके साथी बढ़ते हुए आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कैप वहाँ से भाग भी निकला होगा तो भी उन्होंने उसे पकड़ लिया होगा, और हम में से जो भी लोग बचे हैं वो एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका उनके हाथ लग चुका ही होगा। और यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद ब्लैक पैंथर उनसे बताता है कि मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम लोग अभी तक सरवाइव कर चुके हो, लेकिन वो स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है। इस पर एमजे बताती है कि वो अब नहीं रहा है पैंथर। आगे मिनिया बताती है कि पिछले कुछ घंटों से हम में से तीन लोग जा चुके हैं, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और एजेंट वेनम, और वो तो हमें कवर करते हुए मारा गया। तभी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मेनिया का कहना सही है, हम लगातार घट रहे हैं, मैं भले ही स्ट्रांग हो चुका हूँ लेकिन इतना नहीं कि मैं उनके हमले से तुम सबको बचा पाऊँ। यहाँ पर लोगन उसे कहता है, तो मुझे कुछ ऐसी जगहों के बारे में पता है जो कि मैंने और कैप्टन अमेरिका ने साथ मिलकर तैयार की थी, हम लोगों ने कुछ ऐसे सिस्टम तैयार किए थे ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए, और कुछ सेफ हाउस भी तैयार करके रखे थे। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, तो जो भी तुम्हारे लिए जरूरी है वो लो और चलो सिर्फ 5 मिनट में। यहाँ पर एडियो से पूछता है कि स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन अम्ब्यूस्ट होने से पहले मुझसे कुछ कह रहा था, वो मुझसे कुछ बताना चाहता था। इस पर ओल्ड मैन वेनम कहता है, डॉक्टर तुम उसे बता क्यों नहीं देते, वो ये डिजर्व करता है, वो भी इस सब में शामिल है। इस पर डॉक्टर कहता है, वो सिर्फ तुम्हें ट्रुथ बताना चाहता था, जितना भी ट्रुथ हम उनके बारे में समझ पाए हैं उसे ये पता चला है कि वो वायरस के अलावा कुछ भी नहीं है, वो ज्यादातर वायरस ही है, वो डिजाइन किए गए हैं हमें तबाह करने के लिए। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, वो अपने नेचुरल फॉर्म में भले ही स्मॉल हो लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इवेल्यूएट हो जाते हैं और एक परफेक्ट होस्ट के लिए सिम्बियोट ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब वो सिम्बियोट के साथ मर्ज हो जाते हैं तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इस पर एडी पूछता है, तो होस्ट के बारे में क्या, हमारे बारे में क्या। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे आगे बताता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ होस्ट के तौर पर ढूंढते हैं, और उनके लिए उस बॉन्डिंग प्रोसेस के दरमियान न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं उन्हें काम करने के लिए, तो होस्ट को वो कंज्यूम करके पूरा कंट्रोल ले लेते हैं सिम्बियोट का। और इतना सुनते ही डेडपूल कहता है, क्या वियर्ड सुप्रीम ने क्या कहा अभी कि हम मरने वाले हैं, और वो पॉइजन हम में से कई को मार चुके हैं और लगातार हम डिक्रीज होने वाले हैं, हम सभी मर जाएंगे तो हमारे बचने का कोई चांस ही नहीं है। इस पर ओल्ड मैन वेनम उसे पकड़ते हुए कहता है, वेड हम अभी तक मरे नहीं है। इस पर वो कहता है, तो ये बात तुम जाकर स्पाइडी और कैप से क्यों नहीं कहते, तुम हमें लीड करना चाहते हो तो तुम्हें हमें बचाना होगा, लेकिन भले ही तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम कैप नहीं बन सकते, कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकते। और तब हम देखते हैं कि कैप वहीं पर पॉइजन हॉक आए, पॉइजन सैबरटूथ और स्कारलेट विच के साथ खड़ा था, तो एक और सिम्बियोट क्लेम कर लिया गया है, एक और वेपन तैयार है, एक और वॉरियर पैदा हो चुका है, और कैप्टन से ये सब कोई मिस्टीरियस आदमी कह रहा था। जहाँ पर कैप्टन कहता है, मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ सर, और वो आगे कहता है, और मैं तैयार हूँ अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, नहीं अपनी कंट्री के लिए नहीं, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। इस पर स्कारलेट विच उसे समझाती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा पूरा कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, तो कुछ देर के लिए खुद को एडजस्ट करो कैप्टन। यहाँ पर एक शख्स कहता है कि ये ग्रेट डे है हमारे लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका अब उनके लीडर्स में से एक था। इस पर कैप्टन कहता है, मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, उनके फोर्सेस के बारे में, उनके टारगेट के बारे में, उनके हाइडिंग प्लेसेस के बारे में। इस पर वो शख्स पूछता है कि उनके सोर्सेस के बारे में क्या, इस पर वो कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा उन्हें पकड़ने में। इस पर आगे स्कारलेट कहती है, और बाद में हम उन्हें मार देंगे। इस पर वो कहता है, एक्सीलेंट। और तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि डूम था, पॉइजन के साथ मर्ज हो चुका, और वो कहता है, और बाद में हम उन सभी को यहाँ पर ले आएंगे और
हम उन्हें हंट कर देंगे उन सभी को, और जब हम उन सभी को कंज्यूम कर लेंगे तब हम उस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे बाकी सभी को यहाँ पर लाने के लिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे बचे हुए वेनम्स एक तरफ बढ़ रहे थे अपनी सर्वाइविंग के लिए। यहाँ पर वो एक जगह रुकते हैं भी जो कि एक चर्च थी। यहाँ पर मेनिया कहती है, मुझे नहीं लगा था कि हम चर्च पर आएंगे किसी सजेशन के लिए या फिर किसी पॉइजन से बचने के लिए। मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई डूबते वेपन होगा। जिस पर रॉकेट कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी देर से मैं किस चीज पर काम कर रहा हूँ? क्या मैं कोई बॉम्ब खिलौना बना रहा था? जिस पर वेनम कहता है, डूम्सडे, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो, ये थोड़ा क्रेजी तो है। जिस पर मेनिया कहती है, क्रेजी? अगर क्रेजी की बात चल रही है तो डेडपुल कहाँ पर है? और तब हम देखते हैं कि डेडपुल एक जगह पर रास्ते में खड़ा होकर चिल्लाया जा रहा था, हेलो, कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? किसी पॉइजन को टेस्टी स्नैक चाहिए? कोई वो खरीदेगा जो मैं बेच रहा हूँ? कोई है या नहीं? और तभी दो पॉइजन उसके पीछे आते हैं और उन्हें देखते ही वो कहता है, तो तुम लोग यहाँ पर हो, शर्माओ मत, आगे आओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बचे हुए पॉइजन उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर वो कहता है, तुमने वो तो सुना ही होगा कि अगर तुम उन्हें मार नहीं सकते तो पीसफुली सरेंडर कर दो। और अब मुझे ये लगता है कि तुम पेनफुली तो ये सब कुछ करना नहीं चाहोगे। और इसी के साथ ये वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास डेवलप करने के लिए कुछ सजेशन है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।